अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। मिलियनेयर कभी कभार मैं बोर हो जाता हूँ और मैं YouTube पे जाके लिखता हूँ आज़ाद चाय वाला एक्सपोज्ड, और फिर ज़ाहिर है वहाँ पे मैंने आपको कई बार समझाया बंदा अपने जो हेटर्स होते हैं उनसे बड़ा कुछ सीखता है। तो मैं अम्यूज़ होता हूँ, अपने आप को लुत्फानंदोज़ करता हूँ। उनमें से एक वीडियो मुझे नज़र आया जिसमें किसी बंदे ने लिखा होता आज़ाद चाय वाला एक्सपोज्ड, और जब उसके अंदर जाते हैं तो वो बंदा काफ़ी हद तक मेरे साथ ना अग्री करता था। तो उसने एक तजर्बा किया और वो तजर्बा बहुत ज़बरदस्त था। यानी मैं पहले समझता था कि यार मुझे सामने एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है, लेकिन उसने जो प्रॉब्लम निकाली ना वो मेरे जानने से ज़्यादा थी। और इट वॉज़ लाइक अ टेस्ट। वो टेस्ट मैं आपके सामने दोहराना चाह रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो मुझे मिल नहीं रहा। आप अगर डालें आज़ाद चाय वाला एक्सपोज़ तो कई 100 वीडियोस बने हुए हैं, मैं बहुत ज़्यादा उसको ढूंढ चुका हूँ। अगर वो भाईजान देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे लिंक दीजिएगा कमेंट में और मैं डाल दूँगा इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि किसी का दिल टूटे, ना किसी को नीचा दिखाना है। आईना दिखा रहा हूँ, और अगर आईने में अगर चीज़ पसंद ना आए तो पत्थर फेंकने से आईना तोड़ सकते हैं लेकिन वो मसला हल नहीं होगा, ठीक है? और ना पत्थर फेंकना चाहिए, ओके? क्योंकि आईने महंगे होते हैं। सो मेरी पूरी कोशिश होगी मैं महज़ब तरीके से आपको दिखाऊं रियलिटी। एंड अगर मैंने ऊपर लिखा है ना शायद टाइटल पे कि यूनिवर्सिटीज़ एक्सपोज, तो यार वो मस्खे होते हैं, आपकी तवज्जो के लिए होते हैं। हम एक ही बंदे हैं, एक ही ज़मीन से हैं, हमें इकट्ठे आगे बढ़ने। सो हैव अ लुक एट दिस। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक स्पीड टेस्ट होती है चीज़ जहाँ पे गूगल साइट की थोड़ी बहुत ही क्वालिटी मार्क करता है। तो इस बंदे ने क्या किया, इसने यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स लेके बीच में से गुजारी, गवर्नमेंट की गुजारी, तो मैंने भी वही किया। मैं गूगल पे क्या टॉप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह डाली, उसमें शायद मेरी भी डली हुई थी। लिहाजा अगर आप समझना चाहते हो, ये समझते हो कि आज़ाद भाई ने कोई रद्दो बदल किया है, तो आप उनका वीडियो देखिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्कोर्स वही हैं। मैंने इस वक्त के दौरान ये अपना कोई तब्दीली नहीं की ताकि मेरी वेबसाइट्स आपको बेहतर लगें। मेरी वेबसाइट्स में भी एक आदमी गलती है, एंड जितनी आप जानते हो उतनी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरी स्क्रीन पे आइए, एंड एट द एंड ऑफ द डे लाइक आई सेड, हमने आगे इकट्ठा बढ़ना है। दिस इज़ द सैड स्टेट ऑफ एजुकेशन और सैड स्टेट ऑफ आईटी इन पाकिस्तान, बट बड़ी अक्ल का एक्सपेरिमेंट था। एंड आई थॉट कि रिपीट करना और बंदों को दिखाना, क्योंकि उसका अकाउंट छोटा था उस वक्त। आई डोंट नो कौन सा साइट थी, कौन सा उनका अकाउंट था ताकि मैं उनको ढूंढ लूँ। यूट्यूब पे ही अकाउंट था, जबकि मेरा बड़ा है और मेरी बात जो है ना ज़्यादा बंदों तक पहुँचेगी, एंड उसका कोई ना कोई जो नतीजा होगा हम करेंगे। और अगर यूनिवर्सिटीज़ देख रही हैं तो ये अगर आपकी वेबसाइट इसमें आती है जहाँ पे आपका मेरे को ख़राबी है, तो बराए मेहरबानी उसका बेस्ट हाल ही है, जाकर उसको ठीक कर दें। मेरे खिलाफ जब भी कोई वीडियो बनाता है मैं उसका थैंक यू बोलता हूँ। कल वाला मेरा जो वीडियो निकल रहा है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ मेरे साथ दोस्ती कर लो क्योंकि एंड पे मैं ही जीतूंगा, ओके? तो चलते हैं। वो अब इंटरेस्टिंग ये है कि मैं कल बात क्या कहूँगा आपको, बरक है या हकीकत आपको बताऊँगा। सो वॉच दैट वीडियो टुमारो इंशाल्लाह, कम टू माई स्क्रीन और मैं आपको पूरे का पूरा विद इन 5 मिनट्स तजर्बा दिखा देता हूँ। अच्छा मिलियनेयरो, ये वो टूल है, इसका नाम है पेज स्पीड इनसाइट्स, ये गूगल का है। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप आके अपनी वेबसाइट डालते हैं, फिर ये एनालाइज वाला बटन दबाते हैं और चंद सेकंड के बाद यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाता है। मैंने अपनी वेबसाइट चायवाला.com से शुरू किया। आप देख सकते हैं कोई हाई स्कोर नहीं है, 67 है ऑन मोबाइल, और ये चलो अच्छा है माशाल्लाह डेस्कटॉप पे। वैसे ये डेस्कटॉप वेबसाइट है, मोबाइल के लिए बनी नहीं है क्योंकि इट्स अ बंच ऑफ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर फॉर मार्केटर्स एंड पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स का फोरम है। तो नीचे आए तो आपको बताती है कि आपकी गलतियाँ क्या हैं, आप क्या बेहतर कर सकते हो ताकि आपकी वेबसाइट और तेज़ी से लोड हो, यानी ये जो स्कोर है 67 का हम इसको और बेहतर बना सकें। नीचे ये पैमाना दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो समझा देगा कि इसका मतलब क्या है। वेबसाइट इस नंबर के दरमियान हो तो मुनासिब है, यहाँ पे होगी तो बेहतरीन है, और ये वाला नाकाबिले कबूल है, या कह सकते हैं कि आपकी तवज्जो मांगती है। एनीवे आप मेरी स्पीड देख लीजिए, अभी मैंने स्पीड टेस्ट किया, डाउनलोड स्पीड मेरी तकरीबन 71 मेगाबाइट है, अपलोडिंग मेरी तकरीबन 18 है। ये बहुत ज़रूरी था आपको दिखाना ताकि ये जो टेस्ट है वो यानी ओपन रहे, ट्रांसपेरेंट रहे।
आप अगर इस पेज को अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये जो नंबर 67 है ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, 70 तक जा सकता है, नीचे 60-65 तक भी जा सकता है, क्योंकि आपकी जो स्पीड है बार बार ऊपर नीचे होती रहती है। दूसरी वेबसाइट मेरी है azadchaiwala.com, इसका शायद मैं बटन दबाना भूल गया हूँ। तीसरी मेरी वेबसाइट है fog.com, मेरी गेम वाली वेबसाइट है, तकरीबन 6-7 साल पहले बनी थी, ये 54 है, और डेस्कटॉप पे 91 है। अपना gomedi.com, ये मेरी वेस्टर्न ऑडियंस के लिए शादी वाली वेबसाइट है, मैं दिखाना नहीं चाह रहा था क्योंकि जितने वेले बंदे हैं इस पे जाके साइनअप करना शुरू करते थे और मेरे जो स्टाफ है वो तंग होते हैं, पर दिखाना मेरी मजबूरी था कि आपको पता चले सारी मैं अपनी जो पब्लिक वेबसाइट है मैं आपको दिखा रहा हूँ। 58, 85, 76 pligmi.com और 93 डेस्कटॉप पे, सेकेंड वाइफ 75 मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे 95। अगर इस वेबसाइट को भी बने 3-4 साल हो चुके हैं। फिर आ जाती यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे, मैंने सिंपली गूगल पे जाके लिखा टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान और ये आ गई। ये है जी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, 29 इनका मोबाइल पे, 76 माशाल्लाह डेस्कटॉप पे। तो मोबाइल वाली वेबसाइट थोड़ी तवज्जो मांगती है। लम्ज़ नेक्स्ट वन, वन ऑन मोबाइल एंड 9 ऑन डेस्कटॉप। कायद आज़म यूनिवर्सिटी, 9 ऑन मोबाइल एंड 53 ऑन डेस्कटॉप। और ये क्या यार, पंजाब यूनिवर्सिटी, 45 मोबाइल पे एंड 44 डेस्कटॉप पे। मैं यूनिवर्सिटी इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज ये अक्सर गलतफहमी में रहती हैं कि दे आर द पिनिकल ऑफ आईटी, और मैं कहता हूँ कि नहीं। आप आगे 7 नस्ट पे मोबाइल एंड 35 ऑन डेस्कटॉप। और साथ ये भी याद रखिएगा कि आजकल वास्ट मेजॉरिटी जो ट्रैफिक आती है वो मोबाइल्स पे आती है, लिहाजा आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। आगा खान यूनिवर्सिटी एंड इनकी 3 मोबाइल पे एंड 42 डेस्कटॉप पे। फिर मैंने गवर्नमेंट्स की वेबसाइट सर्च की, मैंने लिखा पाकिस्तानी गवर्नमेंट वेबसाइट्स, पहली pakistan.gov.pk, मोबाइल पे माशाल्लाह 52 एंड 87 माशाल्लाह बेहतरीन। जिसने भी बनाई है माशाल्लाह गुड वर्क। फिर MOFTP, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इसकी ना इंटरेस्टिंग होगी। अच्छा 3, अच्छा और डेस्कटॉप पे 31। मैंने कहा ना मैं तंज नहीं करूँगा, हमने सब ने बस आईना देखना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगली जो वेबसाइट आई थी ये था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑनलाइनाइजेशन, 14 फॉर डेस्कटॉप एंड 64 फॉर सॉरी मोबाइल एंड डेस्कटॉप। और आप लोग जो है ना, आपको मोबाइल पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए बिकॉज वास्ट मेजोरिटी बंदे रूरल एरियाज़ आपको मोबाइल पे ढूंढ रहे होंगे। अगली पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बेहतरीन माशाल्लाह, दिस इज़ गुड यार, दिस इज़ रियली रियली गुड, क्योंकि जितने फॉरेनर्स हैं ना पहले आपकी वेबसाइट पे आते होंगे एंड दैट मेक्स अ गुड रिफ्लेक्शन माशाल्लाह। एंड टूरिज्म इज़ अ मेजर यानी रेवेन्यू का जरिया हमारे मुल्क के लिए एंड ग्रोइंग, शुक्र है, डर था इसका। अच्छा ये ना हैबर पख्तूनख्वा की आ गई है, मेरा कसूर नहीं है, मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ही लिखा था, तो एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। 42 फॉर मोबाइल एंड माशाल्लाह 82 फॉर डेस्कटॉप, बेहतरीन एक्सलेंट। अच्छा एक वेबसाइट रह गई थी मेरी वाली जो लोड हो चुकी है, azadchaiwala.pk, जिसका 69 मोबाइल पे एंड डेस्कटॉप 97। आने वाले दिनों में वेबसाइट भी अपडेट होने वाली है, सो मे बी दैट विल चेंज। लाइक आई सेड अर्लियर कि आपने हर वेबसाइट के रिजल्ट को देखने से पहले 3 बार पेज को रिफ्रेश करना है, तब जाके आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ये 98 भी जा सकती है, 95, 93 तक भी जा सकती है, हल्के फुल्की तब्दीली आती रहती है रिजल्ट में डिपेंडिंग ऑन योर कनेक्शन। अब वापस कैमरे पर चलते हैं। ओके मिलियन, अक्सर मैं मिलियनर को कहता हूँ पाकिस्तानियों, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नॉन मिलियनर्स यानी नॉन फॉलोअर्स मेरे भी देख रहे होंगे। टेस्ट आपके सामने, आप जाके फिर से दोहरा सकते हो, कर सकते हो, अपनी अगर आपकी वेबसाइट्स हैं तो उस पर भी दोहरा, उनको इम्प्रूव करो। मैं तंज नहीं करना चाह रहा, बट जो फिक्र मेरे जहन में से गुजरती है वो दैट इज़ कि अगर ये हमारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो हमारी जो माड़ी वाली होंगी उनका क्या हाल होगा। आई एम रियली सॉरी यूनिवर्सिटीज़, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा शुरू से तैयार किया हुआ था कि मैंने नहीं बोलना ऐसे। कहीं ना कहीं हम ना भटक चुके हैं, कहीं ना कहीं हम गलत हो चुके हैं, हमने नंबर्स के पीछे भागना शुरू कर दिया था इंस्टेड ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स। एग्जाम्स के रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट रिजल्ट्स इन एक्चुअल, हमारी प्रोडक्टिविटी। यही बंदे बाद में फिल्टर होके गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब वैसे ही खत्म हो रही है, मैंने वो आपको बता दिया। कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा कि दोस्ती करनी है मेरे साथ कि नहीं करनी, एंड
मैं आखिरकार क्यों जीतूंगा, जीत मेरी होगी अफसोस है, ठीक है, बट अफसोस नहीं करना। एनीवे अपना ध्यान रखिएगा, मैं हूँ आजाद चाय वाला, अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम। और अपनी आईटी को डिपार्टमेंट को बोलिए कि यार ये हमारी फ्लॉज हैं, ये टेस्ट करो, वहाँ पे जितनी प्रॉब्लम लिखी हुई हैं एक दो दिन की मार है, तब्दील कर दो, फजूल की चमकने वाली चीज़ें नहीं डालनी, बड़े बड़े इमेजेस नहीं डाले, इमेजेस का साइज फिक्स्ड रखना है एंड वगैरह वगैरह, फालतू CSS नहीं लगानी बीच में, ठीक है, क्योंकि हम इकट्ठे पाकिस्तान को तब्दील करना, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, ये तो वैसे ही कर सकता हूँ, थोड़ी ज़्यादा देर लगेगी, बट टुगेदर ना मज़ा आएगा इंशाल्लाह। फिर से अस्सलाम वालेकुम।